के फरिया से बसपा प्रत्याशी मोमिन से खास मुलाकात की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24। मैं हूं सौरभ सिंह फिरोजाबाद। जिस तरह से नगर निगम निकाय का चुनाव पूरे शहर में शुरू हो चुका है, वहीं ग्रामों में देखा है तो पंचायत जो हैं, जैसे एका पंचायत हो, कस्बा फरिया नगर पंचायत हो, चाहे वो जसराना नगर पंचायत हो, चाहे वो मक्खनपुर नगर पंचायत हो, वो नहीं बनी है। इसी को लेकर के आज हमारी समाचार 24 न्यूज़ की टीम कस्बा फरिया नगर पंचायत में बैठी है, जो कि पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं अब्दुल भाई, उनकी धर्मपत्नी है, पत्नी है उनकी अब्दुल भाई की, मोमिना यास्मीन, उनको बसपा से टिकट का दावेदार प्रत्याशी चेयरमैन के रूप में बनाया और जगह जगह संपर्क किया है। कहा है उनके वादे क्या है, उनके इरादे जो क्या क्या उनका क्या है। मैडम, अगर आप चुनाव जीत जाती हैं, आपको बसपा ने टिकट दी है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप ऐसा क्या विकास कराएंगी जो आपसे लोग, आपकी जनता फरिया कस्बा की वोट देने से मजबूर हो जाए? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी, आवाज़ बोलिए सर, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि यहाँ की परेशानियाँ क्या क्या, समस्याएं क्या हैं, पहले तो उन्हें सुलझाने की कोशिश करूंगी। अगर उन समस्याओं को सुलझा लेती हूँ तो फिर ये जो मेरा मेन मुद्दा है वो मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर एक अच्छा भव्य पार्क का निर्माण करना चाहूँगी और एक धर्मशाला का भी निर्माण करना चाहूँगी, और ये दो मेरे हैं। इसके अलावा मैं ये भी चाहती हूँ कि यहाँ पर एक जो लड़कियाँ हैं उनके लिए गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की जाए, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज नहीं है और कुछ यहाँ की बेटियाँ और कुछ जो लड़कियाँ हैं वो जाना नहीं चाहती हैं कोएज में, तो इस वजह से उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी जाती है, घर वाले नहीं भेजते हैं। तो इस मैं ख़ास करके इसी पर ही कोशिश करना चाहूँगी कि यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें एक महिला कॉलेज का निर्माण हो सके, ताकि लोग बाहर ना जाए, बहुत यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको बाहर जाना पड़ता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे फिरोजाबाद है या कोई बहुत ज़्यादा आगरा तक जाते हैं, तो यहाँ पर कोई भी अच्छा कॉलेज वैसा नहीं है कि जो कि लड़कियों के लिए हो, खाली महिलाओं के लिए जो डिग्री कॉलेज होता है उस तरह की स्थापना यहाँ करना चाहूँगी, इस पर जोर दूँगी मैं। और पानी पीने की व्यवस्था तो हमारे पति ने पहले भी कर दिए, बहुत अच्छा है, शुद्ध पेयजल सब। मथुरा की सेरगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनामी